सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नया लेसन। फिफ्थ लेसन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, आज हम देखेंगे चंदा मामा की जय। ये पार्ट एक एकांकिका, एक अंक का एक नाटक, एक सुंदर लेसन है। इसका लेखक है मंगल सक्सेना। लेखक कौन है? मंगल सक्सेना। हम लोग अभी एक छोटा सा लेखक का परिचय देखने वाले हैं। देखो, चंदा मामा की जय, लेखक है मंगल सक्सेना। उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। उनका जन्म 1936 राजस्थान के बीकानेर। बीकानेर बहुत प्रसिद्ध गांव है, बीकानेर शेव सबको मालूम है। इस प्रसिद्ध गांव में, बीकानेर नामक प्रसिद्ध गांव में हुआ था। कभी हुआ? 1936 को हुआ। उनकी मृत्यु जुलाई 2016 को हुई। उनकी रचनाएं मैं तुम्हारा स्वर। उनका परिचय, मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, नाट्य मतलब नाटक, ड्रामा निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। राजस्थान साहित्य अकादमी में सचिव सेक्रेटरी के रूप में बहुत वो प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने क्या किया है? प्रस्तुत एकांकी चंदा मामा की जय में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार और बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। क्या क्या प्रोत्साहित किया है? शांति प्रियता का, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार और बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जिसमें एक लड़की, ये स्टोरी छोटा स्टोरी, इस स्टोरी में क्या है, एक दो लाइन में उसका वर्णन, जिसमें एक लड़की जज की भूमिका में है और बाकी पांच लड़के, देखो एक लड़की जज की भूमिका में है और बाकी पांच बच्चे जिनकी शिकायत नींद परी करती है। पांच बच्चे हैं ये नाटक में और एक जज है, और वो पांच बच्चों के बारे में नींद परी शिकायत करती है। बाद में चंदा मामा उन बच्चों के गुणों को याद कराते हैं और बच्चों से बुरी आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा कराते हैं। अंत में सभी बच्चों को क्षमा किया जाता है। यही ये स्टोरी का सार है, एक छोटा सा दो लाइन में स्टोरी। अभी ये स्टोरी को हम, एक कहानी को हम लोग नाटक रूप में देखने वाले हैं। वार्तालाप, नाटक, कॉन्वर्सेशन के रूप में हम देखने वाले हैं। और एक पार्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना है आपको कि यह पार्ट सिर्फ रीडिंग के लिए है, एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आंसर इस लेसन से नहीं आने वाला है। जैसा फर्स्ट लेसन को मैंने फर्स्ट बोला था, एक लेसन, कौन सा लेसन याद है आपको? किस पार्ट नहीं है, किस पार्ट को? बेटी युग हमारे ये साल सिलेबस में नहीं है। मतलब रीडिंग के लिए है लेकिन रिटन एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। इसी तरह चंदा मामा की जय, यह नाटक भी, एकांकिका भी, एकांकी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सिर्फ रीडिंग के लिए है। हम लोग एक ग्लांस उसको अभी देखेंगे और रीडिंग भी उसका करेंगे। इसका स्टोरी समझा आपको, एक लड़की जज की भूमिका में है और बाकी पांच बच्चे हैं जिनकी शिकायत नींद परी करती है। चंदा मामा बीच में आके बच्चों के गुणों को याद कराते हैं। जज है ना, उस वो बच्चों को दंड देने वाली थी, लेकिन चंदा मामा बीच में आकर
वो बच्चों के गुणों को याद कराते हैं और बच्चों से बुरी आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा भी कराते हैं। अंत में सभी बच्चों को क्षमा किया जाता है। ये स्टोरी का सार है। देखो अभी स्टोरी में कौन पात्र मतलब क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन है। कैरेक्टर देखो, सुनील आयु 8 वर्ष, अनिल आयु मतलब क्या है, उम्र कितने साल के हैं, कितने उम्र के हैं पूछते कि नहीं, एज आयु मतलब एज। सुनील का एज क्या है, आयु 8 वर्ष। अनिल आयु 5 वर्ष। चार बच्चे प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष तक है। कितने बच्चे हैं टोटल, सुनील अनिल और 4 बच्चे बराबर, और 5 बच्चे एक साथ में, एक लड़का सिर्फ अलग बैठा है। अभी देखेंगे पिक्चर दिखाने वाली हो आपको, उसमें देखेंगे। रात रानी आयु 13 वर्ष, नींद परी आयु 11 वर्ष, चंदा मामा आयु 14 वर्ष, दो तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष। 3 आपके हाथ में टेक्स्ट बुक रहेगा तो इजीली आप समझ पाएंगे। 2 तारे, 2 हाथ में तारे पकड़कर खड़े हैं वो 2 तारे, उन बच्चों का आयु, उन बच्चों की आयु 9 वर्ष। 3 पहरेदार आयु 10 से 12 वर्ष तक के 3 पहरेदार उधर हैं। और समय अर्धरात्रि, स्थान ये नाटक एकांकी कब हुआ था, अर्धरात्रि में, स्थान बादलों के देश में। रात रानी काली पोशाक में बैठी है, हाथ में टेक्स्ट बुक रखो पेज नंबर 40। रात रानी काली पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंख झल रही है मतलब पंख से हवा डालती है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक ओर नींद परी हल्की नीली पोशाक ढीली ढीली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है, और वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनीदे से बैठे हैं, और सबसे छोटा बच्चा ऊंग रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। अभी ये सब अरेंजमेंट्स है, स्टेज अरेंजमेंट्स ऐसा है। स्टेज में सब अरेंज करने के बाद क्या होता है, हम लोग भी स्कूल में गैदरिंग में नाटक करते हैं, डांस करते हैं। डांस के पहले क्या करते हैं, पर्दा डालते हैं, और पर्दे के पीछे सब बच्चों को अरेंज करने के बाद, रेडी पोजीशन में होने के बाद तो पर्दा खुलता है, पर्दा उठता है। इसी तरह इस पोशाक में सब बच्चे तैयार हैं, अभी पर्दा उठता है, एकांकी नाटक शुरू होने वाला है। अभी एकांकी मतलब एक अंक का एक ही नाटक, एक अंक का नाटक है, उसमें दूसरा अंक नहीं होगा, एक ही अंक में ये नाटक खत्म हो जाता है, उसको ही कहते हैं एकांकी। अभी देखो एक मैं पहले ही बोला है, वार्तालाप कन्वर्सेशन के रूप में है। पहले कौन बोल रही है, नींद परी। देखो इधर आप इधर देख सकते हैं, ये जज है, काले पोशाक में बैठी है, ये नींद परी है, समझा, ये तारा है, ये दोनों तारा है, ये दोनों कौन है, ये सेविका पंख लगा, पंख में से क्या कर रहे हैं, हवा झल रही है। आया समझ में, ये है नींद परी, समझ में आया। अभी उनका कॉन्वर्सेशन देखेंगे। ये देखिए 5 बच्चे इधर बैठे हैं, एक कौन अलग बैठा है, सुनील इधर देखो कुर्सी पर अलग बैठा है। जाएंगे अभी कॉन्वर्सेशन रीड करने के लिए, देखेंगे अभी। नींद परी, ये रोने वाले, नींद परी क्या बोल रही है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल खड़े हो जाओ। नींद परी इसको बोल रही है, रात रानी को, जज के सामने ये नाटक पेश करती है। देखो क्या बोल रही है, ये रोने वाले बच्चे हैं सब,
विशेषकर यह अनिल है ना, बहुत रोता है, खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी डांटती है, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर जोर से रोने लगता है। सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ, नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। अपना कार्यवाही चालू करने के लिए इन सबको चुप बैठने के लिए बोलो, ऐसा ऑर्डर देती है। जज हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उस तरह ऑर्डर देती है रात रानी। नींद परी और ये सुनील, ये घर में चाय की कप ये सुनील है ना, ये घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था। ये सुनील ने क्या किया? वो नींद परी शिकायत कर रही है, देखो पहले ही बताया मैंने, नींद परी शिकायत करती है। और ये सुनील ये घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था। क्या किया उसने? माँ से चाय का कप और ये प्लेटें जो कैपन सासर सब तोड़कर माँ से पीटकर सोया था। रात रानी, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे, अपराध किया ना दंड देंगे। सुनील से पूछती है, तुम्हें सफाई देनी होगी समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। क्यों ऐसा किया? तुमको सफाई देनी होगी, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, दंड दी जाएगी। और नींद पर यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। हम लोग भी यही करते हैं ना घर पे, है कि नहीं? घर में हम लोग यही करते हैं, मम्मी का कहना माँ का कहना सुनते नहीं है, खाने पे खाना नहीं खाते, टीवी देखने के वक्त खेलते हैं, खेलते वक्त टीवी देखते हैं, पढ़ने के टाइम में टीवी देखते हैं। ये सब गलत बात है, इसके लिए तो ये लेसन दिया गया है आपके लिए। तो रात रानी पूछती है, बराबर है क्या? वो नींद परी बोल रही हो, बराबर है, उत्तर दो, जवाब दो, ऐसा पूछती है। किसको पूछती है बोलो आप लोग? सुनील से पूछती है। नींद परी बोलती है, वो बराबर है क्या, जवाब दो। तभी वो सुनील क्या बोलता है देखो, भोलेपन से ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत भोला हूँ, ऐसा। अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं नहीं जवाब दूंगा। देखो उसको मालूम है हम लोगों ने क्या किया है, मस्ती करते वक्त फोड़ दिया, मालूम है उसको, लेकिन एक्टिंग कैसा करता है। अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसके लिए मैं जवाब नहीं दूंगा, ऐसे जज के सामने एकदम इनोसेंटली बोलता है। नींद परी, यह बड़ों को तू करता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। सुनील बोलता है, क्या बोलता है देखो उसका आंसर, अच्छा मैंने आपको तू क्या कहा, क्या मैंने आपको तू कहा क्या? अभी आपके साथ बात तो करता हूँ, तू कहा क्या? आपको पीटा क्या? ये तो झूठ मूठ कहती है। मैंने आपको पीटा क्या, तू कहा क्या, कभी उल्टा जवाब दिया क्या आपको? रात रानी, देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं, कहती है के ऊपर डांट रहेगा तो वो रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, कहते हैं, कहती हैं, बड़ों को क्या कहना चाहिए, कहती हैं कहना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, कहती है के ऊपर डांट नहीं है, डॉट नहीं रहेगा तो वो सिंगुलर मतलब इतना रिस्पेक्ट नहीं है। हम फ्रेंड्स के साथ बात करते वक्त क्या करेंगे, चलो खेलते हैं हम, चलो खेलने के लिए जाएंगे, तू क्या करती है, तू क्या करती हो, तुम क्या करती हो, तू क्या करती है, ऐसा पूछते हैं। लेकिन जब बड़ों से बात करते हैं ना, तभी क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं, आप खाना खाए क्या, ऐसा रेस्पेक्टफुली पूछना चाहिए। ये सिखाते इधर की, गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है, सब बच्चे चौंककर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हैं समझा आपको? क्योंकि सुनील को सजा मिलने वाली है, इसके लिए सब लोग मिलकर रोते हैं।
क्यों रोते हो, पूछती है रातरानी चिल्लाकर। चुप रहो वरना, रातरानी गुस्से से कांपने लगती है, ऐसा काम के उनको चिल्लाती है, चुप रहो वरना क्या करूं मैं, समझ में नहीं आएगा, ऐसा उनको चिल्लाती है। यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है, इस तरह उसको उसके बारे में कंप्लेंट किया गया है। कौन किया कंप्लेंट? नींद परी ने। किसके बारे में कंप्लेंट किया है? सुनील के बारे में। तभी सुनील ने क्या किया देखेंगे अभी। सुनील ने क्या, अनिल ने क्या आंसर दिया? सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। रातरानी बोलती है, अच्छा अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? सब रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। अनिल ने क्या आंसर दिया देखो, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। आपको मिलता है क्या घर में रोने से? मम्मा लड्डू देती है क्या आपका? नहीं तो मार देती है। रोते हम लोग घर में जिद करते रोते तो और मारती है मम्मा, हाँ के अपने मम्मा आके मारती है। मम्मी बोलते कोई, माँ बोलते कोई, मम्मा बोलते हैं, अपनी माँ आके हमको क्या करती है, पीठ में चार लगाती है। रोता है क्या? अभी कुछ भी नहीं देगी, जाओ, ऐसा है ना, बराबर है ना। लेकिन इधर अनिल ने क्या आंसर दिया, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांट करें, तुम्हारी बात न माना करें, तब क्या करोगे? तब मैं और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं, ये बुरी बात है। हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे, रुआन सा होकर अनिल क्या बोला, सुनील क्या बोला देखो, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। शैतानी करने के बाद ही वो कप और सासर फूटा था ना, इसके लिए वो माफ़ी मांगता है। मैं कुछ भी शैतानी नहीं करूँगा, इसके बाद मुझे माफ़ करो, मुझे सजा मत दो, इस तरह वो रिक्वेस्ट करता है। हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए, इन्हें सजा मत दें, हथौड़ी पीट कर, शांति शांति, सब लोग मिलकर चिल्लाते हैं ना, सुनील भैया को सजा न दी जाए, सजा न दी जाए करके, इसके लिए हथौड़ी पीट कर, जज है ना वो रात रानी, क्या बोलती है, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं, क्योंकि वो अंधेरी रात है, वो मीटिंग कहाँ चल रही है, बादलों के देश में। बादलों के देश में कौन रहता है? चंदा मामा। चंदा मामा आए उधर बीच में, चंदा मामा आप, हाँ चंदा मामा, खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं खुशी से तालियां पीट कर, सब बच्चे चंदा मामा को देख, हमको भी चंदा मामा को देख के क्या होता है, खुशी मिलती है ना। चंदा मामा आने के बाद सब लोग उठकर खड़ा होते, रोते हुए बच्चे रात को खाना नहीं खाते तो मम्मी क्या करती है, उनको बालकनी में लेके जाकर चंदा मामा को दिखाती है। चंदा मामा को देखते ही बच्चे क्या कर, छोटे बच्चे हंसते हंसते खाना व्यवस्थित खा लेते हैं, इसके लिए चंदा मामा को देख के ही सबको, सबका मन प्रसन्न हो जाता है। देखो खुशी से तालियां पीट कर, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, ऐसा चिल्लाते सब बच्चे। चंदा मामा जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद, रात रानी से पूछते हैं, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। डर कर, रात रानी डर गई, कैसा अन्याय मामा जी, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। क्रोध से रात रानी बोलती है, नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? नींद परी ने क्या किया, इनके बारे में बच्चों के बारे में शिकायत की, लेकिन बच्चों में जो अच्छा गुण है वो नहीं बताया, इसके लिए रात रानी नींद परी से गुस्सा से बोलती है, नींद परी से गुस्सा करती है। चंदा मामा यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं,
उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। देखो वो सुनील थोड़ा बड़ा है, सुनील के बारे में सब बच्चों के बीच में दया है, प्यार है, इसके लिए तो सुनील को सजा मिलने वाली है। सुनते ही बच्चे रो पड़े, बच्चे सब लोग मिलकर रात रानी से विनंती की कि उसको सजा मत दो, इस तरह की विनंती की, क्यों वो बहुत अच्छा लड़का है, छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उनको प्यार करता है, इसके लिए सब बच्चे उसके बाजू में खड़े रहकर उससे उसको सजा मत दो करके विनंती करते हैं। रात रानी सचमुच इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ, रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। सब बच्चे मिलकर क्या किया, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। ये लेसन किसके लिए दिया है, आपके लिए ही दिया है। आप सब बच्चे कैसे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बुरी आदतें हैं ना, वो सब बुरी आदतों को छोड़ देंगे तो आप लोग भविष्य में बहुत बड़े स्टार बनेंगे। यही एक एकांकी का क्या है, एक मॉरल है, शिक्षा है। सबको क्षमा किया जाता है, रात रानी बोलती है कि सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, ऐसा जय जयकार करने लगते हैं। ये लेसन आपको घर में रीड करके देखना है, रीडिंग के लिए आएगा ये क्वेश्चन आंसर्स। इसका क्वेश्चन आंसर्स हम लोग वर्कबुक में नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं, लेसन अच्छा है, आपको लिखने की इच्छा है, तो आप खुद लिख सकते हैं, खुद आंसर्स ढूंढो और कंप्लीट करो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये लेसन रीड करके देखो। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।